Hi guys, welcome to my channel, The Shubhi Tips. Hope you all are doing well guys. आज का video is about a hair vitalizer guys. ये एक hair serum है Satin by GSC brand का. Guys, इस brand के मैं और भी products already अपने channel पर review कर चुकी हूँ, आप उनको भी checkout कर सकते हो. आपको link जो playlist का है वो आपको description box में मिल जाएगा, वहाँ पर से checkout कर लेना. So guys, मैंने try किया इस बार Satin by GSC brand का hair vitalizer, एक हेयर सीरम है. एंड गाइस, इंग्रेडिएंट्स यहाँ पर अपफ्रंट मेंशन है, आपको डिटेल में सब इंग्रेडिएंट्स के बारे में बताऊंगी. तो स्टार्ट करते हैं वीडियो के साथ. चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो. एंड गाइस, एंड वीडियो पसंद आए ना तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा. अब स्टार्ट करते हैं वीडियो के साथ. सो गाइस, ये जो प्रोडक्ट है ना, ये एक बहुत ही अच्छा एंड इफेक्टिव प्रोडक्ट है अगर आप इसके साथ कंसिस्टेंट रहते हो. गाइस, ये जो हेयर सीरम है ना, जब आप इसको अच्छे से अप्लाई करते हो, आपको इसको बेसिकली कैसे अप्लाई करना होता है, आपको इसको अपने स्कैल्प पर लगाना है. एंड गाइज, आपको नेक्स्ट डे आप इसको वॉश कर सकते हो. एंड बहुत अच्छे से काम करते हैं आपकी स्कैल्प को सारे विटामिन न्यूट्रिएंट्स देने के लिए. एंड बहुत ही अच्छे से फ्लाईवेज पे काम करेगा. आपको कोई लॉन्ग लास्टिंग स्टाइल्स क्रिएट करने हैं तो आप वो इससे कर सकते हो. एंड बिल्कुल सेफ है आपके स्कैल्प के लिए. लाइक, इसमें किसी भी तरह की कोई भी आर्टिफिशियल जो हार्मफुल इन्ग्रीडियंट्स होते हैं ना, वो नहीं यूज़ किए गए हैं. पैराबेन सल्फेट्स वगैरह नहीं है. बिल्कुल सेफ है आपके स्कैल्प के लिए. हाउएवर, अगर आप नर्सिंग हो, प्रेग्नेंट हो, तो आप इसको ना यूज़ करो बिल्कुल भी. एंड गाइस, साथ ही में वैसे तो इसके साथ कोई एलर्जिक रिएक्शन होने का मतलब ही नहीं है, बट फिर भी अगर आपको किसी पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट से कोई रिएक्शन हो सकता है तो एक बार अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्टेशन कर लेना. साथ ही में कोई मतलब ही नहीं है इसके साथ कि आइज़ में जाए, बट अगर ऐसा होता है तो इमिडिएटली वॉश कर लेना. तो गाइस, अगर बात करें इसके इंग्रेडिएंट्स की, तो ये चार की इंग्रेडिएंट्स हैं जो इसमें यूज़ किए गए हैं. इसमें रेडेंसिल यूज़ किया गया है, प्रोसेपिल यूज़ किया गया है, बायोटिन है, एंड बिस्कस एक्सट्रैक्ट है. तो गाइस, चारों इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं ना, वो आपकी हेयर हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं. आपको डिटेल में बताऊंगी चारों इंग्रेडिएंट्स के बारे में. सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी पैकेजिंग की. ये आउटर पैकेजिंग है एंड इनर पैकेजिंग इस तरह की है. आपको ये वाला कैप हटा के एंड देन स्प्रे करना होता है. 4 to 5 स्प्रेज आपको करने होते हैं इसके. अगर मैं बात करूँ इसके प्राइस की, तो 799 रुपीज़ में आपको 60 ml का ये बॉटल मिलता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा ट्रैवल फ्रेंडली बॉटल है. बहुत कन्वीनियंट है, आप इसको ईजिली कैरी कर सकते हो. एंड गाइस, 2 ईयर्स की शेल्फ लाइफ आपको मिलती है इस प्रोडक्ट की. सो गाइस, अब बात करते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स की. जैसे कि मैंने बताया, इसमें रेडेंसिल 3% है, जो कहीं ना आपकी हेयर क्वालिटी को इम्प्रूव करता है. इट आल्सो प्रमोट्स हेयर ग्रोथ एंड नॉर्मलाइजेस द सिक्रीशन ऑफ द सीबम. गाइस, इट आल्सो कंटेन्स द कंपाउंड्स लाइक DHQG, इसमें EGCG2 है, जिंक क्लोराइड, दैट आर नेसेसरी फॉर द प्रॉपर हेयर ग्रोथ. रेडेंसिल सीरम फॉर हेयर्स स्टिमुलेट्स कैपिलरीज, दस हेल्पिंग टू इम्प्रूव द ब्लड सप्लाई टू द स्कैल्प. गाइज, ये एक्सलेट करता है रिन्यूअल ऑफ सेल्स को एंड स्ट्रेंथन करता है हेयर रूट को. सो जिससे कि ना वो ईजिली पुल्ड आउट नहीं होते. साथ ही में गाइज, इसमें प्रोसेपिल 3% है, तो बहुत ही अच्छा रहता है अगर आपके हेयर सीरम्स में ये हो, बिकॉज ये एक नेचुरल प्रोडक्ट होता है जो जिसके अंदर ना DHT इनिबिटर होता है, जिसकी वजह से वो आपके हेयर लॉस पे बहुत अच्छे से काम करता है. एंड जो भी आपको ये डेली हेयर स्टाइलिंग और ग्रूमिंग की वजह से हेयर लॉस हो रहा होता है ना, उसको रिड्यूस करता है. बिकॉज ईच टाइम यू शैम्पू योर हेयर ना, यू आर वॉशिंग अवे असेंशियल न्यूट्रिएंट्स एंड ऑयल्स दैट कीप योर स्कैल्प हेयर हेल्थी. तो प्रोसेपिल बहुत ही अच्छा इंग्रेडिएंट होता है. देन गाइज, साथ ही में ना इसमें बायोटिन है. जो बायोटिन होता है ना गाइज, वो आपके हेयर फॉलिकल्स को टारगेट करता है, जिसकी वजह से आपकी ओवरऑल हेयर ग्रोथ इम्प्रूव होती है, आपकी हेयर फॉल कंट्रोल होती है. बहुत लोग सोचते हैं कि आप बायोटिन सप्लीमेंट्स लोगे तो वो भी आपके हेयर्स को प्रोटेक्ट करेगा एंड आपकी हेयर क्वालिटी को इम्प्रूव करेगा एंड टेक्सचर को इम्प्रूव करेगा. बट गाइज, अगर आप ऐसे वाइटलाइजर में भी बायोटिन यूज़ करते हो, तो वो एक बहुत ही अच्छा बेस्ट ट्रीटमेंट होता है आपके हेयर्स के लिए. आपके हेयर फॉल को रिड्यूस करता है, आपके बालों को स्ट्रेंथन अप करता है, रीग्रो करता है हेयर्स को इनफैक्ट, एंड आपके बाल ओवरऑल बहुत ही हेल्दियर लगते हैं. साथ ही में गाइज, इसमें ना हिबिस्कस एक्सट्रैक्ट है. जो हिबिस्कस एक्सट्रैक्ट होता है ना गाइज, वो एक एंटीऑक्सीडेंट होता है एंड विटामिन सी रिच इंग्रेडिएंट होता है. एंड साथ ही में ना गाइज, हेल्प करता है आपके बालों को रिस्टोर करने में, लाइक उनके जो फॉलिकल्स होते हैं उनको रिस्टोर करने में, बालों को रिपेयर करने में. एंड गाइज, आपके बालों को प्रोटेक्ट करता है किसी भी तरह के बैक्टीरिया से एंड स्कैल्प इन्फेक्शन से.
सो गाइज अब एक बार मैं आपको ना इसका दिखा देती हूँ कि आपको इसको यूज़ कैसे करना होता है। तो इस तरह से ना आप इसको स्प्रे कर सकते हो, आप देखो बहुत इजीली स्प्रे हो जाता है। एंड आपको 4 to 5 स्प्रेस करने होते हैं। अच्छे से ना अपनी स्कैल्प पे मसाज कर लो एंड इसको छोड़ दो, देन आप नेक्स्ट डे इसको वॉश कर सकते हो, बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। सो यस गाइज, मुझे तो ये हेयर वाइटलाइजर बहुत पसंद आ रहा है, काफ़ी अच्छा एक हेयर सीरम है जो आप जरूर ट्राई कर सकते हो, आपको पसंद आएगा। एंड गाइज कोई भी क्वेरी होना इस प्रोडक्ट को लेकर तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में पूछ लेना, आई बी हैप्पी टू हेल्प यू। एंड गाइज वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अब तक नहीं किया है। तो मैं मिलती हूं आपसे अपने अगली वीडियो में, साथ ही में प्रोडक्ट को जरूर चेकआउट करना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। गाइस बाय बाय।